Slugbrain! Slugbrain! वो सीट पहले से ही बुक्ड है, पर अगर तुम हमें पैसे दो तो हम तुम्हें वहाँ बैठने दे सकते हैं और साथ में तुम्हारी जान भी बख्श देंगे। ओ, इसको चुप रहना पसंद है। वो कहते हैं ना, चुप रहने का मतलब है हाँ कहना। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है नया शेन आया है, मुझे वो चाहिए। एक बदमाश को पकड़ने के लिए काफी दूर आ गए। सही कहा, मेरी पीठ में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। हाँ कोई बात नहीं मेरे परेशान दोस्ता, प्रॉन्टो के पास इस दर्द की दवा है ना, सस्परीला। ओह, क्या इसे पूरा पीना है? क्या तुम पीते हो क्या? सच में जाना चाहते हो इलाई? लगता है अंदर कोई मामूली शख्स नहीं है। मेरे डैड को मुझे ट्रेन करने का चांस नहीं मिला, पर वो हमेशा कहते थे एक शेन किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले सामना करोगे। वो चार और हम एक। हाँ, प्रॉन्टो को आगे जाने दो। अंदर मत जाना। चलो चले दोस्तों। तुम लोग अंदर जाओ, भाई इसकी जरा मरम पट्टी करता हूँ ना, थोड़ा सस्परीला पिएंगे। क्या तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है? क्या हम लड़ने वाले हैं या आओ? वैसे तो जवान हो लेकिन दुबले हो। संभल कर सीधे खड़े रहो, देखेंगे तुम विनोइंग में क्या करते हो। विनोइंग? क्या ये कोई द्वंद्व युद्ध है? देखो मिस्टर, मैं देखिए मैम, क्या हम एक दूसरे से लड़कर अपने अपने रास्ते जा सकते हैं? तुम विल शेन के बेटे हो ना, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही बहादुर था। हम लड़ने वाले नहीं हैं, है ना? मैं हूँ इलाई शेन। नाम कमाना पड़ता है नादान बच्चे, अगर नाम कमाना है तो कल सुबह ही डुजेंग ग्रोटो में आ जाना। नाम से याद आया, आपका नाम क्या है? शनाई। इलाई, ये तो कभी ना हारने वाली मास्टर है। कभी ना हारने क्या? वो कहाँ गई? उस मास्टर को स्लिंगिंग के हजार सीक्रेट्स पता हैं। वो पत्थर को देखते ही पिघला सकती है। मास्टर नारियल के पेड़ से आम निकाल सकते ना, और आम के पेड़ से खजूर। ठीक है, तुम्हें यकीन हो या ना हो, पर एक बात पक्की है, वो आज तक की स्लग टेरा की सबसे बेहतरीन स्लिंगर हैं। वो तब आती हैं जब उन्हें किसी एक स्टूडेंट की तलाश हो, उन्हें पिछले 30 सालों से नहीं देखा गया है, और उन्होंने अब तक के सारे शेन्स को ट्रेन किया है, यहाँ तक कि मेरे डैड को भी। असली ट्रेनिंग, जब से मैं स्लग टेरा में आया हूँ मुझे इसी चीज का इंतजार था। ओह चलो सो जाते हैं, कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। कल स्लग टेरा के सभी लोगों के लिए अच्छा दिन होगा इलाई। हाँ बिल्कुल सही कहा। पता है हम जल्दी आ गए हैं, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं पूरी गैंग को जगाना नहीं चाहता था।
मेरा नसीब बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी यहाँ मास्टर ने बुलाया है, उन्होंने कहा मैं उनसे ट्रेनिंग ले सकता हूँ। पर मास्टर तो सिर्फ शेन्स को सिखाती हैं। सिखाती तो है लेकिन सिर्फ शेन्स को नहीं। मैंने कहा था अपना नाम खुद कमाना होगा नादान बच्चे, मुझे यहाँ बेहतरीन स्लिंगर को सिखाना होगा, अगर वो तुम हो तो साबित करो। तो ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों तुम आ गए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया। सपोर्ट? हम यहाँ कम्पीट करने आए हैं, तुम्हें लगा ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है? नहीं हाँ शायद। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं चुना तो शायद गैंग में से किसी को चुन ले, इसे सपोर्ट कहते हैं, है ना? हाँ जी, हम तुम्हारे खिलाफ लड़कर तुम्हें सपोर्ट करेंगे ना। थैंक्स। स्वागत है सभी लोगों का विनोइंग में। विनोइंग तरीका है बीज को अलग करने का, हवा छिलकों को उड़ा देती है और बाद में जो बचता है वो है असली दाना। ये तो सभी मेलोनाइट जानते हैं। हाँ तो जो भी स्लग मास्टर है वो इस लाइन पर खड़ा हो जाए। हाँ तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ, स्लग मास्टर में खुदगर्जी और निर्दयता की कोई जगह नहीं होती। चलो चलते हैं। नहीं हम नहीं जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या तुमने देखा वो स्लग्स कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे? हाँ, सच में, मेरा मतलब तुम जो कॉम्बिनेशन मूव्स करते हो वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और बाकी सब, मैं किसी को कभी भी डिसमिस कर सकती हूँ, मेरी अपनी वजह होगी और मेरा फैसला आखिरी होगा, समझ गए? तो देखते हैं किस में कितना दम है। मास्टर, क्या आप मुझे वो पहले वाला शॉट फिर से दिखा सकते हैं? मुझे देखना है कि आपने वो कैसे किया। मैं तुम्हारी मर्जी से कुछ दिखाने नहीं सिखाने आई हूँ बच्चे, दोबारा पूछा तो पूछने लायक नहीं रहोगे। ओह समझ गया। जब तुम फालतू की बातों से छुटकारा पा लो फिर हमारी आमने सामने की लड़ाई शुरू होगी। बहुत अच्छे इलाय। शुरू करो। तुम्हें पता है ना कि ये कोई डांस कॉम्पिटिशन नहीं है। वो लड़का कौन है? Come on, क्या तुम इसे स्लग स्लिंगर मानते हो? ये मेरी स्पेशल टेक्निक है जी, मैं इसे कहता हूँ। अच्छा नाम है। वर्सुआ जी बेचारा कौन, उसे बुरी खबर सुना दो। वो तुम्हारे लिए है, चलो निकलो यहाँ से। और तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, उसमें काफी हिम्मत है पर उसके मूव्स इतने खास नहीं थे, निकलो यहाँ से। पता है, रास्ता वहाँ है। एक मिनट रुको, इन्हें लगता है कि तुम दोनों को यहीं रहना चाहिए। वजह तो यही जाने, मुझे जानना भी नहीं है, मेरे मेहमान बनकर रहो। अच्छे मूव्स थे यो मेजेस्टी, आप बाहर जा सकते हैं। हसो मत, तुम सिर्फ एक कदम दूर थे वरना बाहर होते। पर मैंने उसे मारा। इन्होंने उसे मारा, स्लग्स बॉम्ब गोले से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, समझ गए? पता है, मैं इनसे हमेशा बात करता हूँ। पर कभी सुनते भी हो? तुम भी गए काम से बच्ची।
मेरे और मास्टर के ट्रेनिंग के बीच अब सिर्फ एक चैलेंजर है। क्या पहले कभी उसे देखा है? नहीं, पर मेरा एक काम करना, उससे मेरा बदला जरूर लेना। निकल मेरा। जो अच्छा है वो जीते। ओ, मैं भी यही चाहता हूँ। एक ब्रेक ले लो लोगी। ट्विस्ट। बात क्या है इलाय? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अनबीटेबल मास्टर में मैं ट्रेनिंग लूंगा? ये मुकाबला हर किसी के लिए है, याद है ना? तो फिर ये नकाब क्यों? माफ करना, लेकिन इलाय और मैं दुश्मन हैं। मैं इस मुकाबले में बाधा नहीं डालना चाहता था। एक स्लिंगर को अपने स्लग के साथ इल्यूजन पावर बनाने में काफी मेहनत लगती है। मैं भी ये नहीं पहचान पाई। क्योंकि वो एक घूल इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें लगता है मैं इतने साल क्यों दूर रही? मुझे घूल क्या है पता नहीं होगा। मैं स्लिंगर को चुनने वाली हूँ, स्लग को नहीं। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो। एक घंटे में हम आखिरी मुकाबला शुरू करेंगे। एक घंटे बाद मिलते हैं। मैं तुम्हारी असलियत उन्हें बता कर रहूंगा। मास्टर शनाय, आप मेडिटेशन कर रही हैं? मैं सो रही थी। माफ कीजिए, पर मैं आपको सावधान करने आया हूँ। आप बीमार हैं, है ना? कोई बात नहीं। क्या तुम्हें इस घूल स्लिंगर से शिकायत है? हमने उस पर एक बार भरोसा किया था और उसने हमें धोखा दिया। वो बहुत ही खतरनाक है। उसने डॉक्टर ब्लैक के साथ हाथ मिलाया है। तो लगता है तुमसे ज्यादा उसे मेरी सलाह चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छाई बुराई दोनों हम सब में होती है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मास्टर प्लीज, आप ट्विस्ट को मुझसे ज्यादा नहीं जानती। कभी किसी के इमोशंस को मत जानना, अपने मन की शांति पर ध्यान दो। क्या तुम्हें पक्का पता है सही रास्ता क्या है? मुझे लगा मुझे पता है। बिल्कुल, ये मुझे 30 साल पहले की बात याद दिला देता है। मैंने ट्रेनिंग के लिए 2 स्टूडेंट चुने थे। एक बहुत ही बहादुर लड़का था जिसका नाम था विल शेन और दूसरा था थेडियस ब्लैक। ब्लैक और मेरे डैड, वो दोस्त थे? दोस्त नहीं थे, पर दुश्मन भी नहीं थे, वो प्रतियोगी थे। दोनों एक से बढ़कर एक थे। तुम्हारे पिता एक बहुत कमाल के स्लिंगर थे और ब्लैक जिस चीज में कमजोर था उसमें तुम्हारे पिता ने कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन थेडियस अपने स्लग्स की वो जरा सी भी इज्जत नहीं करता था। विल थोड़ा लापरवाह था, पर वो हर चीज डिजर्व करता था। और ब्लैक, उस दिन न जाने उसे क्या हो गया, एक चिंगारी जो उसे बुराई की दुनिया में ले गई, एक ऐसी चिंगारी जिसे मैंने आग में तब्दील कर दिया। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों का पछतावा है, पर एक सवाल मुझे हमेशा सताता है, क्या उस दिन मैंने सही स्टूडेंट चुना था? मैं कुछ समझा नहीं। आपने कहा था मेरे डैड बेस्ट थे। तुम्हारे डैड एक महान शेन थे और बिना मेरी मदद भी वो वही बनते। पर ब्लैक, शायद मैं उसे बुराई के रास्ते पे चलने से रोक सकती थी। वो सच में ऐसा करेंगी? ब्लैक के साथ ही को ट्रेन करेंगी? मुझे अब जीतना ही होगा। मास्टर के सीक्रेट्स को हम ब्लैक के हाथ लगने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर फिलहाल मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। तो किस बात की है? उन्होंने पहले से ही अपना स्टूडेंट चुन लिया हो तो? तुम दोनों ने अपने आप को साबित कर दिया है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक टेस्ट है। आखिरी फैसला मेरा होगा, शुरू करो। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे ट्विस्ट। देखा जाएगा इलाय। सच में ट्विस्ट, फिर से अपनी चालाकी दिखा रहे हो? बहुत अच्छे। मास्टर की तरह नहीं था पर अच्छा था। हेलो मास्टर, बड़े दिनों बाद मिली हो।
अपने हाथ ऊपर कर लो प्लीज। अगर तुम मास्टर की सीक्रेट पाना चाहते हो तो तुम भूल जाओ ब्लैक। प्लीज, मैं ये ट्रेनिंग पहले ही पूरी कर चुका हूँ। ये सीक्रेट सेरेमनी सिर्फ एक वजह के लिए होती है, पता लगाने के लिए कि कौन बेस्ट है। वो तो मैंने कर दिया जब मैंने तुम्हारे ट्रेनी को हरा दिया। आंखों देखी हर चीज पर यकीन मत करो। ठीक है, मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, दोनों में से कोई भी आ जाओ। तुम बड़े जिद्दी मच्छर हो इलाय, जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ, पर आज मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। आज मैं अपना हुनर दिखाऊंगा, कभी न हारने वाली मास्टर को हराकर। तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम हारना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। संभल कर मास्टर, वो चीटिंग करता है और उसके घूल्स बहुत ही। घबराने की जरूरत नहीं है नादान बच्चे। वो चीज आखिर है क्या? रैपिड फायर गन है, पर आज तक कोई भी उसे बना नहीं पाया था। एक दूसरा रास्ता भी है, अच्छाई का रास्ता, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मुझे अब तुमसे कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं। मेरा नाम है ब्लैक, डॉक्टर ब्लैक। कहाँ हो तुम ट्विस्ट? तुम्हारी बकवास कला में इतना ही दम है क्या? हार मान लो थेडियस, अब भी तुम अच्छाई का रास्ता अपना सकते हो। माफ करना थेडियस, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ ऐसा। वो क्या था? मुझे तो वो स्लग पावर कॉम्बिनेशन का कमाल लगा। एक फ्यूजन शॉट, मुझे लगा वो नामुमकिन था। सब खत्म हो गया। नहीं। डॉक, क्या आप? बहुत देर हो चुकी। माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो, तुम एक असली शेन हो, तुम स्लगटेरा में शांति लाओगे। तुम्हें बस खुद पर यकीन रखना होगा। एक आखिरी रहस्य। अच्छे ट्विस्ट, तुमने अपना काम बखूबी निभाया। वो जख्म भर जाएंगे। वो चली गई, मुझे नहीं लगता कि उसका तुम्हें... वक्त पूरा हो चुका था। जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। चलो यहाँ से। नहीं। क्या कहा? मैंने कहा नहीं और नहीं। तुम और किसी बेकसूर इंसान को चोट पहुँचाकर नहीं भाग सकते। मैंने अभी अभी अब तक के सबसे बेहतरीन स्लिंगर को हराया, तुम उसके सामने क्या हो? चलो हो जाए। हाँ,
नहीं, आज के लिए इतनी जीत काफी है। चलो ट्विस्ट। तुम गलत आदमी की मदद कर रहे हो ट्विस्ट, और तुम ये जानते हो। अच्छे प्रांटो। लकी है ये हम लोग, मुझे सिर्फ यही धुन आती है। मुझे खुशी है कि मैं उन्हें जान पाया। अब क्या करें इलाई, अब तुम्हें मास्टर कभी ट्रेन नहीं कर पाएंगी, तुम उनके सीक्रेट्स कभी नहीं जान पाओगे। मास्टर भले ही मुझे बहुत कुछ सिखा सकती थी, पर मेरे स्लग्स और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, और जब रास्ता मिलेगा तब ब्लैक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उनका ब्लास्टर टूट गया है, ब्लैक से लड़ने में वो हमारे बहुत काम आता। कोई बात नहीं कॉर्ड, मेरे ब्लास्टर के लिए भी मेरे पास कुछ खास है, अगर कभी मैंने फ्यूजन मूव सीख ली तो मुझे ये काम आएगी। अब भले ही ब्लैक के पास एक नया ब्लास्टर हो, लेकिन ये हमारी बारी है। हम ब्लैक का डट कर सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, तब तक नहीं जब तक हर गूल ठीक ना हो जाए, और ना ही तब तक जब तक ब्लैक का नामो निशान मिटा ना दे हमेशा के लिए। अब पता चला हम क्या ढूंढ रहे हैं। और वो क्या है? मैंने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी, पर ब्लैक इसे चला रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी मशीन बहुत नुकसानदेह काम करती होगी। तुम लोगों में इतना ही दम है हाँ? जरा रुको, ये लोग तो गूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर ब्लैक गूल्स को क्यों बचा कर रखेगा? हाँ? पानी के नीचे की गुफा, मुझे नहीं पता था इसका एंट्रेंस जमीन के ऊपर से भी है। वैसे अच्छी बात ये है कि अब वो फंस चुके हैं। अब तुम लोग भाग नहीं सकते, सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर उन्होंने तो कमाल कर दिया। तो अब हम क्या करें? अपने हाथ ऊपर करो बच्चों। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपना मुंह लेकर मेरी गुफा में आ गए? मैं होता तो ऐसा नहीं करता। हम यहाँ आए हैं क्योंकि काला पानी ले जाने में तुम ब्लैक की मदद कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं ब्लैक के साथ काम करता हूँ? बकवास, झूठ है ये। मैं किसी के साथ काम नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे क्रू के साथ भी नहीं। अच्छा, संभल कर दोस्तों, वो सब कभी भी बाहर आ सकते हैं। नहीं, ये कोई चाल नहीं है, मेरे आदमियों को चुरा लिया गया है। ब्लैक ने? नहीं, ब्रूटेल ने, एक गंदा सा चूहा जिसे ब्लैक ने मेरी गुफा के अंदर गहरी खुदाई करने भेजा है, और ब्रूटेल को मेरे आदमी चाहिए थे जो पानी के अंदर ये काम कर सके। यही वो वजह है कि उसने मेरे सभी आदमियों को पकड़ लिया। पर ब्लैक ऐसा क्यों? काला पानी, वो पानी के अंदर ड्रिल करके कोई बहुत कीमती चीज ढूंढ रहा है, इसलिए वो ज्यादा गुल से इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके पास ज्यादा काला पानी नहीं बचा है नए बनाने के लिए। तो अब तुम उसे रोकना चाहते हो, और मैं ब्रूटेल को हराना चाहता हूँ, और मेरे आदमियों को छुड़ाना चाहता हूँ। क्या कहते हो, एक दूसरे की मदद करें? हाँ, शेन यही तो करते हैं, सही कहा ना, लोगों की मदद। हाँ,
जैसे हम तुम्हारी तुम इसकी बात मानोगे तो नहीं ना इलाही। जानता हूँ हम ड्रेक पर यकीन नहीं कर सकते, पर अगर हमने ब्लैक को और काला पानी ले जाने से रोका तो वो हमेशा के लिए गुल्स नहीं बना पाएगा। तो सौदा मंजूर है? मंजूर। उम्मीद है सौदा मंजूर करने से पहले तुमने ये जरूर सोचा होगा कि तुम्हें भी मेरे साथ नीचे आना होगा। उसमें? बिल्कुल भी नहीं, तुम वो इस्तेमाल करोगे जो इसके अंदर है। तुम्हारी शिप तो वैसी ही दिख रही है जैसी पिछली बार हम छोड़ गए थे। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया। अब शुरू करो, जाओ और वो मुझे ला कर दो बच्चे। एक बात मैं साफ कर दूं, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं और ना ही बच्चा। ओह अच्छा, कमाल की बात है, शेन गैंग का लीडर मुझे एक छोटी सी बैग उठाकर नहीं दे सकता, तो क्या तुम दोगे छोटू? शुरू हो जाओ जैसे पिछली बार किया था। जब मैं तुम्हारा कैबिन मोल था तब तुमने मुझसे कैसा बर्ताव किया था? अगर तुम मुझे प्रमोशन दोगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ जी। क्यों ना हम खुद अपना काम करें, हाँ क्या कहते हो बॉबी? अंदर जाने के लिए तैयार हो? तो ये सब काम कैसे करता है? बढ़िया। इस डाइविंग सूट की मदद से तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे और पानी के अंदर जहां चाहे वहां जा सकोगे। क्या बात है, तुम्हें मेरे और मिम्की के साथ रहना होगा, बस अपने एयर गेज चेक करते रहना, कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया तो समझ लेना। हम समझ गए। हे, वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं बीको। ओ, शर्मा रहे हैं। शर्मा नहीं रहे, छिप रहे हैं। अगर हम लोग नहीं हिले तो शायद वो चले जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो शार्क तुम्हारे लिए डांस करे। हमला करो। ज्यादातर स्लग्स को अंडर वाटर वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तुम्हें टॉर्पीडो कवर इस्तेमाल करना चाहिए। टॉर्पीडो कवर? अब ये मत कहना कि तुम बेवकूफों ने टॉर्पीडो कवर कभी इस्तेमाल नहीं किया। बुपी और मैं इसे संभाल लेंगे। मुझे नहीं लगता इन्फर्नस लग यहाँ अपना कमाल दिखा पाएगा। टॉर्पीडो कवर के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से अपना एक्वापिक्स लग यूज करो। उसे टॉर्पीडो कवर की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंडर वाटर स्लग स्लिंगर के बारे में मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए बच्चे। बोर्ड, मुझे लगा तुम्हें पानी से नफरत है, तुम अब कैसे? लड़ते वक्त मैं भूल जाता हूँ कि मैं तैर रहा हूँ। पर याद दिलाने के लिए शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक सर्कल बनाओ और एक दूसरे को हर साइड से कवर करो। ये तुम क्या कर रहे हो डरपोक कहीं के? ऐसा करने से वो तुमसे नहीं डरने वाली। अब अलग हो जाओ और भागो। हमें ऑर्डर्स देना बंद करो, तुम हमारे कैप्टन नहीं हो और ना ही हम तुम्हारे क्रू हैं। तुम तो मेरे बिना एक शार्क से भी नहीं निपट सके, जब तक तुम और तुम्हारे दोस्त शार्क का खाना नहीं बन जाते। चलो चले दोस्तों। वो क्या था? किसे पता, कम से कम शार्क से पीछा तो छुटा।
तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर शार्क उससे डर गए तो वो शार्क से भी ज्यादा डरावने होंगे जी। हम तो उसी चीज का पीछा कर रहे थे। और अब वो उससे भी बड़ी मशीन का हिस्सा है। वो है क्या? वो ड्रिल है। मुझे लगता है उन्हें अब तक काला पानी नहीं मिला। और वो कौन है? मैं बताता हूँ, वो तो ब्रुटेल है। हाँ, वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? हाँ, जानता हूँ ये यकीन करना मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। लगता है उसने हमें देख लिया। टावर को उड़ा दो। मेरे भाई के मुंह पर मारना। तुम्हें एक और मौका चाहिए? ठीक है दोस्त। अब तुम्हारी बारी है, मेरी मदद करो। तुमने मेरे क्रू को चुराया। सालों पहले तुमने ही इसकी शुरुआत की थी, जब अपने ही परिवार में तुमने चोरी की थी। ये सब बकवास है। मैंने तुमसे कुछ नहीं चुराया। ट्रिक्स ने भी तुम्हारे परिवार से कुछ नहीं चुराया, बल्कि तुमने मेरे आदमी चुराए। अगर किसी को ज्यादा पैसे देकर खरीदो तो उसे चोरी नहीं कहते। ये इसका काम करने के लिए हमें तुमसे ज्यादा पैसे देता है। तुम सभी लोग गद्दार हो। क्या किसी और को भी लगता है कि यहाँ हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं है? नहीं छोड़ूंगा तुझे। शायद तुम्हें पानी में अच्छा लगने लगा है। क्या तुम मुझे याद दिलाना बंद करोगी कि हम कहाँ हैं? वहाँ, जल्दी, यही सही मौका है। मेरे पीछे आओ, ब्रुटेल को पकड़ो। नहीं, उस मशीन को बर्बाद करने के लिए हम ऊपर से जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरी बात मानोगे, समझे? चलो चलें। तो कमाल का है ना? इस तरफ, जल्दी, अगर तुम्हें मेरे ऑर्डर्स लेने में तकलीफ ना हो। तुम समंदर के खतरे के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी मेरे ऑर्डर्स ना मानकर तुम अपने साथियों की जान खतरे में डालना चाहते हो। हमारी चिंता जानने के लिए शुक्रिया, पर अगर हमें कोई शिकायत होगी तो हम खुद अपने कैप्टन को बताएंगे, जो आप नहीं है, समझे? साथियों से मुझे एक बात याद आई, तुम्हारे क्रू को पकड़ा नहीं गया था, उन्होंने खुद तुम्हें छोड़ा था। ये तुम्हारी और ब्रुटेल की आपसी दुश्मनी है। तुमने हमसे झूठ कहा हर चीज के बारे में। हाँ, मैंने ये झूठ कहा, मैं एक पायरेट हूँ। लेकिन मेरे भाई से मिलने की बात बिल्कुल सच थी। तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए, तो अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो। वो हम पहले कोशिश कर चुके हैं, जिसका नतीजा है कि हम यहाँ हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्योंकि हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। मुझे पता है, पर हम पानी के अंदर के हालात से वाकिफ नहीं है, और यही एक मौका है जिससे हम ब्लैक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है ड्रेक के साथ काम करना सही नहीं है, पर यहाँ हमें उसकी जरूरत है। मुझे लगता है हमें उसका साथ देना चाहिए। मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तो मैं पूरा दिन बैठकर सुन सकता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अच्छा फैसला है, क्योंकि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मुस्कुराओ बच्चे, तुम्हें ये पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम अलग होकर काम करेंगे। कॉर्ड? वहाँ, अगर उस वेंट को खोलकर कुछ एक्सप्लोडर्स फायर किए तो उससे शायद वो मशीन बंद हो सकती है।
पर पहले हमें ब्लैक के पहरेदारों से निपटना होगा। ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा अगर ड्रेक अपना काम करे और उसके भाई और दूसरे पायरेट्स को संभाल ले तो। चलो, हमारे पास सही आदमी तो है जो ये काम जरूर कर पाएगा। ये प्रांत को ये क्यों पकड़ना पड़ रहा है जी? क्योंकि मैं कैप्टन हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। नया नाम? तुमने मुझे प्रमोशन दी? अब उस चीज का पीछा छोड़ दो, समझे? माफ करना छोटू, लेकिन ये लड़ाई मेरे और मेरे भाई के बीच है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो क्या तुमने बचपन में जो चोरी की थी उसके लिए मुझसे माफी मांगने आए हो? बार बार झूठ पर झूठ बोलना बंद करो, समझे? मैंने तुमसे कुछ नहीं चुराया है। नहीं, तुमने चुराया था। नहीं चुराया। ठीक है गॉड, चलो उस वेंट को खोले। चुराया था? क्या लगता है तुम्हें मैंने तुमसे क्या चुराया है? मेरा मिंकी। मैंने उसे नहीं चुराया, तुमने मुझे उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। सच में? अरे हाँ, तुमने सही कहा, मैंने दिया तो था। तो अब क्या करें? चलो हमेशा के लिए इसे बंद कर दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अब जबकि वो काला पानी मिलने ही वाला है, मैं उस ड्रिल को बंद नहीं करने वाला। और अब हम दोनों एक साथ हैं। अगर मेरा भाई मदद नहीं करता तो मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चलने वाला था, लेकिन मुझे एक अच्छा ऑफर मिला है। पायरेट्स इसी तरह काम करते हैं। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं तुम्हारे आदमियों को 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा अगर वो मेरा साथ दे तो। सच में? नहीं। खत्म कर दो उन्हें। यही तो मैं कहने वाला था। काला पानी किसी भी वक्त उन्हें मिल सकता है और ड्रेक को देखकर लगता नहीं कि वो हमें नए डाइविंग सूट्स देगा। हमें उस वेंट को खोलना ही होगा। मैंने उसके लिए ब्लास्टर को मॉडिफाई किया है। कॉर्ड को कवर करो। मैं इसे देखता हूँ भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये बच्चा यहाँ पर मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता है। वैसे मैं जल्दी सीख जाता हूँ। बार अच्छा था, लेकिन हमसे होशियारी करके कहाँ जाओगे बच्चे? गोपी, मुझे पता है तुम मदद करना चाहते हो, पर यहाँ तुम्हारी आग काम नहीं करती। गोपी रुको, ये तुम कहाँ? ब्लास्टर नीचे रखो। आखिरकार तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मान नहीं पड़े क्यों? ये काम तुम करना चाहोगे भाई? शौक से करूँगा। हाँ,
ऐसा नहीं कर पाओगे। उसकी नकल करो मिमकी। नहीं, कहाँ जा रहे हो मेरे मिमकी को लेकर? तुम्हारा मिमकी? वो मेरा मिमकी था। उसका पीछा करो। कॉर्ड, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हो गया। इससे काम बन सकता है। वो काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है सिर्फ हॉपरॉक से ये बंद नहीं होने वाला। हमें कोई ऐसा चाहिए जो उसे अंदर से खींच कर बंद कर सके। सच कहता हूँ, अगर ये इतना एक्साइटिंग नहीं होता तो मैं कब का बेहोश हो चुका होता। तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो? ठीक है बीको। ब्लैक के काम को रोकना जरूरी था, पर मेरी गैंग से जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। साथ ही तुम भी बीकर, मुझे माफ कर देना। रुको, ड्रेक और ब्रूटेल का क्या? ओ, मुझे लगता है वो अपने काम में बिजी होंगे। आओ यहाँ से। ये सब एक जैसे हैं। जिनमें पंच के निशान हैं, उनमें मत देखो। मिमकी, ये वाला नहीं है। ए, तुम यहाँ आओ। बुरा तो नहीं लगा ना?